नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से ना एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ है, मेरे स्ट्रगल के जो दिन थे ना उनके बारे में बात करूंगा मैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि जो बुरा वक्त है वो कभी बता करके नहीं आता भाई, लेकिन आता सभी की लाइफ में है। मेरी लाइफ के अंदर भी वो दिन आए थे जब मैं उनसे लड़ा और लड़ करके आगे भी बढ़ाते हैं कि भाई जो बुरा वक्त है ना वो व्यक्ति की लाइफ में कभी भी आ सकता है। बचपन में, जवानी में या फिर बुढ़ापे में कभी भी वो आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर। कभी भी एक समान किसी के भी दिन नहीं रहते हैं भाई। कभी बुरा दिन देखना पड़ता है तो बुरे के बाद में अच्छे दिन भी आते हैं। और मेरे बुरे दिनों की शुरुआत उस टाइम हुई थी जब मेरी किडनी खराब हुई थी। दोस्तों, उससे पहले का जो मेरा जीवन है ना बहुत ही आरामदायक रहा है। मेरी जो दिनचर्या थी बहुत ही अच्छी दिनचर्या थी। सुबह उठना, सैर करना, उसके बाद में अपना नहा धो करके नाश्ता करके अपने ऑफिस में चले जाना और शाम को वापस आना और अपना जो डेली का रूटीन है उसके अनुसार अपना खाना पीना करके सो जाना। ज़्यादा कोई टेंशन नहीं थी। छोटा सा परिवार है, हम दो भाई हैं, दोनों की संयुक्त फैमिली है, मम्मी पापा हैं और हमारे परिवार में 5 बच्चे हैं इस टाइम। और जब मेरे को दिक्कत हुई तो उस टाइम तो हमारे 2 ही बच्चे थे, बड़े भाई साहब के 2 ही बच्चे थे। मेरी शादी बाद में हुई है। तो दोस्तों, जब मेरे को ये कन्फर्म हुआ कि मेरी जो किडनियाँ हैं वो ख़राब हो गई है, तो उस टाइम पर मेरे परिवार पर ना एक मानो दुखों का पहाड़ ही टूट गया था भाई। सभी का खाना पीना छूट गया था कि हमारे साथ ये हुआ कैसे भाई। ना ही तो मैं शराब पीता हूँ, ना ही कोई और किसी तरह का बैल है, ना सिगरेट पीना है, ना कोई किसी तरह का और नशा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये क्यों हुआ। सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये थी मेरे साथ, जब मेरे को मालूम हुआ कि मेरी किडनियाँ ख़राब हो गई है तो उससे 3 महीने पहले ही मेरी शादी हुई थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम अब उनको क्या जवाब देंगे। जो ससुराल पक्ष है वो तो यही कहेगा कि इनको पहले से कोई दिक्कत होगी, इन्होंने बताया ही नहीं, हमारे साथ धोखा किया है। ये जो समस्या थी जो सबसे बड़ी समस्या थी, और इसके बारे में मेरे पापा को भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी भाई, अब क्या जवाब देंगे, अगले पूछें तो गई, और उनके मन में क्या चल रहा था ये हमें कोई मालूम नहीं है भाई। और इसी टेंशन में पापा को ना शुगर हो गई भाई। उससे पहले बिल्कुल स्वस्थ रहते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इतने टेंशन में आ गए जिसकी वजह से ना उनको शुगर की प्रॉब्लम हो गई थी, और साथ में मेरे को प्रॉब्लम चल रही थी। मेरा भी ट्रीटमेंट शुरू करवा लिया हमने, एलोपैथिक के अंदर मैंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मेरे को यही लगती थी कि अब इसका क्या होगा, जो मेरी मैडम है अगर मेरे को कुछ हो गया तो फिर इसका क्या होगा, इसकी लाइफ में फिर क्या है, ये सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान में रहता था। और उसी परेशानी की वजह से ना मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा हाई रहने लगा, और जो मेरी किडनी ख़राब हुई थी उसकी जो गति थी ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। देखते ही देखते जो प्रॉब्लम है मेरी किडनियों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, कहाँ तीसरी स्टेज के अंदर मेरे को पता लगा था, और देखते ही देखते वो 5वीं स्टेज तक चली गई। जो मेरा क्रिएटिनिन है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने एलोपैथिक छोड़ करके आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट करवाया, होम्योपैथिक में भी ट्रीटमेंट करवाया, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भी, एक्यूपेंचर में भी, सब तरह की पद्धतियाँ अपनाई, लेकिन कहीं से भी कोई कामयाबी नहीं मिली भाई। लेकिन एक सबसे बड़ी जो पॉजिटिविटी मेरे माइंड में थी कि भाई मेरे को ना ठीक होना है, अगर मेरे को कुछ हो गया तो जो मेरे साथ ये मेरी वाइफ है इसका क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। और इससे भी बड़ा मेरे को प्लस पॉइंट जो है मेरी ससुराल पक्ष से मेरे को मिला भाई। उन्होंने ना अपने बिल्कुल फ्रेश माइंड से मेरे को बोल दिया कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया है, अब
इसके बारे में सोचना व्यर्थ है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आ जाती है, कभी भी किसी को हो जाती है, तो उसमें किसी का हाथ नहीं होता है। ये तो आपके साथ हो गई, अगर हमारी लड़की के साथ होती तो क्या आप उनको छोड़ देते? तो ये बात उनको भी, मतलब वो पढ़े लिखे हैं, अच्छे समझदार लोग हैं, उनको समझ में थी ये बातें, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इलाज हम करवाएंगे, चाहे पैसे कितने ही लगे, ट्रीटमेंट कैसा भी हो, हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए हम रेडी हैं, जो भी ज़रूरत होगी हम उस तक पहुँचेंगे, उस ज़रूरत को हम पूरा करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिला करके वो चले, तो मेरे को और भी हौसला मिला। उस टाइम पर मेरे को ये हो गया कि अब मेरे को कुछ नहीं होगा भाई, मेरे साथ ना अब दो परिवार हैं और वो मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन भाई जैसे मेरा जो क्रिएटिनिन है वो 6 से ऊपर चला गया, और डॉक्टर ने बोल दिया कि अभी डायलिसिस करवाना पड़ेगा, और साथ में मैंने फिस्टुला भी बनवा लिया था, तो 2-3 बार ऐसी सिचुएशन बनी कि भाई मैं ना मरते मरते बचा हूँ। एक बार तो रात को मेरा जो है माइंड ने काम करना बंद कर दिया था, तो उस टाइम पर बिल्कुल सब घर वाले घबरा गए थे, पता नहीं अब क्या होगा, और मेरे से ना बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा था। और उस टाइम ना मेरे को रात को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, 4 दिन तक मैं हॉस्पिटल में रहा, 4 यूनिट मेरे को ब्लड भी लगे, तो मतलब घर वालों ने टाइम टू टाइम मेरा ट्रीटमेंट करवा करके जो सिचुएशन पैदा हुई थी उसको कहीं हद तक कंट्रोल कर लिया था भाई। उसके बाद में डॉक्टर ने कहा कि वीकली तो इनका डायलिसिस करना पड़ेगा, तो उसके बाद में हमने फिस्टुला बनवा लिया था कि भाई आगे की जो लाइफ है वो जिस तरह से चलेगी उस हिसाब से हमें चलाना है। लेकिन फिर मेरे को ना रात को नींद नहीं आती थी, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता था, आँख बंद करता तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, एकदम से मैं उठ जाता था। तो पूरी पूरी रात मैं बैठ करके मैंने निकाली है, सर्दियों की लंबी लंबी रातों को मैंने पूरी पूरी रात जाग करके निकाली है, और उसके बाद में फिर डायलिसिस पे जाना। डायलिसिस में क्या होता था कि हर बार नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, कभी क्रैम्प्स आ जाते थे, कभी मेरा शुगर लेवल डाउन हो जाता था, कभी बीपी इंक्रीज हो जाता था, तो वह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे साथ रहने लग गई। और उसके बाद में धीरे धीरे भाई हम अपने डोनर की एडजस्टमेंट कर रहे थे, तो मेरी जो सास है, मेरी मदर इन लॉ है, वो सामने आई और उन्होंने कहा कि किसी को टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं सबसे पहले टेस्ट करवाऊंगी, और अगर मेरी किडनी मैच होती है तो मैं किडनी डोनेट करूंगी, उसके बाद देखना है कि अगर मेरी किडनी मैच नहीं होती है तो उसके बाद में जो दूसरे डोनर जो तैयार हुए थे, मेरी सिस्टर तैयार हुई थी, उनकी देखेंगे, या फिर मेरे साले ने कहा था कि फिर मैं मेरी अपनी चेक करवाऊंगा। तो ये बात चली थी और हमने ना अपना ट्रांसप्लांट की प्रोसेस शुरू कर दी थी। तो मेरे को रात को बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते थे कि भाई इस लाइफ से तो अच्छा मर जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ये था कि अगर मैं कुछ गलत कर लेता हूँ ना, तो उसके साथ मेरे जो दो परिवार है ना वो बहुत परेशान होंगे, या फिर उनकी जो स्थिति है वो संभाल नहीं पाएंगे। ये सोच करके मेरा जो माइंड में चल रहा था, मैंने उनको उन दिमाग से उन ख्यालों को ना निकालना शुरू कर दिया भाई। पॉजिटिविटी भरे मोटिवेशनल जो है मैं वीडियोस अक्सर यूट्यूब पर देखने मैंने शुरू कर दिए। तो उसके बाद में हमने जो अपनी ट्रांसप्लांट फाइल थी वो प्रोसेसिंग उसकी फास्ट करवा दी हमने। जो भी टेस्ट करवाने थे डोनर के वो हमने बहुत ही फास्टली करवाए, मेरे जो टेस्ट होने थे वो भी हमने साथ के साथ करवा लिए। और मोहाली के सूर्य किडनी केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर हरजिंदर सिंह बैंस से हमने अपना जो है ट्रांसप्लांट फाइनली 12 नवंबर 2020 को करवाया। और दोस्तों अभी की जो मेरी लाइफ है ना बिल्कुल स्वस्थ लाइफ है, मैं जी रहा हूँ, अपना काम धंधा भी कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को ना मैं मेंटेन किए हुए हूँ। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद था कि भाई जो लोग इस बीमारी में घबरा जाते हैं ना, तो उनकी नैया पार नहीं लगती है, और जो लोग पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं
तो उनकी नैया कहीं ना कहीं पार हो जाती है। जिन लोगों के पास डोनर हैं वो तो अपना ट्रांसप्लांट करवा करके अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं, और जिन लोगों के पास डोनर नहीं है वो एक डायलिसिस के ऊपर भी अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं। मेरे पास में गांव है बनभोरी, वहाँ एक भाई है, उनके पास डोनर नहीं है और वो अभी डायलिसिस के ऊपर है। 5 साल से रेगुलर डायलिसिस के ऊपर हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। वीकली उनका डायलिसिस हो रहा है और वीकली वो अपने फॉलोअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना डायलिसिस करवा रहे हैं। रेगुलर जो भी मेडिसिन चल रही है वो रेगुलर उनकी चल रही है, और अपने जो परहेज हैं वो अपने परहेजों को कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसकी बदौलत आज एक बहुत अच्छी लाइफ वो जी रहे हैं। अपनी दुकानदारी चलाते हैं और अपने बच्चों में बहुत ही अच्छे से अपने जो जीवन है उसको व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ट्रांसप्लांट ही नहीं, डायलिसिस के ऊपर भी आप अच्छे से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं, पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है कि आप डॉक्टर के टच में रहेंगे तभी आपका जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रह सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी को इस तरह की बीमारी हो जाती है तो उन्हें टूटना नहीं है भाई, उनको मेंटली स्ट्रोंग होना है। और जो लोग टूट जाते हैं वो अपनी नैया पार नहीं लगा सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। और जो लोग मेंटली स्ट्रोंग होते हैं ना, वो किसी ना किसी तरह से तैर के बाहर निकल जाते हैं, उनको रास्ता मिल ही जाता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी, जो मैंने आप लोगों के साथ मेरे विचार साझा किए हैं वो आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आप अपने विचार अगर हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट्स ज़रूर करें, और जल्द ही एक नए टॉपिक पर एक नया एक्सपीरियंस लेकर के आप लोगों से ना दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।